हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अरिहंत। लेके आ चुका हूं मैं एक और वीडियो जो हमारी होने वाली है बिजनेस स्टडीज की। लेके आ चुका हूं मैं क्लास 10th वाले बच्चों की वीडियो। लेके आ चुका हूं, एग्जाम से पहले देख लो मेन मेन क्वेश्चन का जो आपने बोला था वो वीडियो। लेके आ चुका हूं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश में बच्चों। लेके आया हूं मैं बिजनेस स्टडीज क्लास 10th वाले बच्चों की। बस करने के लिए वीडियो लाइक कीजिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और एक ही क्वेश्चन पढ़ लेना। बहुत सारे बच्चों की हेल्प हो रही है और आप भी अपनी हेल्प लीजिए। करना कि आपको ये वीडियो ध्यान से इतना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट आप लेना। जब भी आपके एग्जाम पॉइंट में बहुत ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे और ये क्वेश्चन पढ़ लेना। क्वेश्चन फर्स्ट की बात कर रहे हैं, इसमें क्या हमारा प्रॉफिट अर्निंग इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस, और एक्सप्लेन कीजिए डिटेल में, पढ़ लेना। बहुत इजी पॉइंट हमारा, मैं इससे लेक्चर भी प्रोवाइड करवाने वाला था बट टाइम कम है, लेकिन बहुत जरूरी है आपको बताना कि बहुत जल्दी हमारे साइड से लेक्चर भी आने वाले हैं, बस परफेक्ट टाइम का वेट कीजिए। क्वेश्चन टू आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसमें क्या हमारा डिफाइन बतानी है ई कॉमर्स और डिस्क्राइब इट्स एडवांटेज। ई कॉमर्स क्या होता है वो बताना है और डिस्क्राइब कीजिए इससे एडवांटेज वो बताने आपको। एक बात और बताने आता हूं मैं आपको, क्वेश्चन थ्री पे जाने से पहले बताना मैं चाहता हूँ जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया, ज्वाइन करो जल्दी से, लिंक कहाँ पर है डिस्क्रिप्शन में, और अपना प्यार बरसाओ, इस वीडियो लाइक करो जार से आ रहा। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन थ्री, इसमें क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है हमारी, डिफाइन बतानी है, ये डिफाइन लिखी हुई है, आंसर की भी प्रोवाइड करूँ मैं आपको जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो पाए। और क्वेश्चन फोर आपकी सिंपल शो हो रहा है हमारा, इसमें क्या हमारा बट इज द मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, उससे डिफाइन नीचे की भी है, पढ़ लेना, बहुत इजी है। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट आप ले लो। मुझे आप बताइए जल्दी से पहले आप कि क्या आपको टीएमए के सॉल्व असाइनमेंट चाहिए, अरे चाहिए तो करना क्या आपको कमेंट से बताइए मुझे, और किसी और सब्जेक्ट की वीडियो आपको चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बस करने की कमेंट कर दीजिए, मैं अपनी साइड से प्रोवाइड करवाने वाला हूँ जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है, व्हाट इज मीन बाय ट्रांसपोर्ट क्या होता है, और उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि क्या ये इंपॉर्टेंट है बिजनेस पॉइंट से, बताइए ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वेयर हाउसिंग की डिफाइन बतानी है, बहुत ईजी है बता देना आप। ये क्वेश्चन मैंने वहां से उठाया, पूरे मान लो कि 10 साल के ऊपर एनालाइज कर रहे हैं और उसके बाद जो क्वेश्चन रिपीट हुए थे वो मैं लिखा आपके सामने, जिससे कि आपके सामने मेन मेन क्वेश्चन मिले, एक्सपर्ट की राय के बिहाफ पर क्वेश्चन बनाए जिससे कि आपके एकदम बढ़िया नंबर बने। और एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है यही क्वेश्चन छपा हुआ जाए एग्जाम्स में, बस करना क्या है ये ध्यान से देख लें क्या है क्या नहीं हमारा, ये हमारा पूरा प्रोसेस बताना है आपको इसमें। नेक्स्ट हमारा क्या है कि व्हाट पर्पस डज पिन नंबर जो होता है ईमेल मेल सर्विस से बात कर रहे हैं वो क्या है बताना है आपको, डिफाइन पढ़ लेना, बता देना क्या है क्या नहीं हमारा। बैंक क्या होता है वो बताना है आपको, उसमें काम क्या होता है, क्या है क्या नहीं है, ये सब डिटेल बता देना। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है यानी सॉरी जो हमारे सेंट्रल बैंक होते हैं वो पूरी तरह से कमर्शियल बैंक की एक्टिविटीज पर कंट्रोल करते हैं। बिजनेस रिस्क हमारा क्या होता है, बिजनेस में रिस्क लेना कंपलसरी है, बिना रिस्क लिए काम नहीं करते। आप एक छोटा बिजनेस में स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट आप डाल रहे हो, जब इन्वेस्टमेंट आप डाल रहे हो तो मतलब क्या है रिस्क को लेना पड़ता है ना, वो ये पॉइंट इसमें हमारा। आउटसोर्सिंग हमारी क्या होती है उसके बारे में क्या जानते हो ये बताना है, डिफाइन पढ़ लेना, बहुत ईजी है हमारा। सेल के बारे में बताना है ये आप पढ़ लेना। नेक्स्ट हमारा क्या है हमारा चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं वो आप पढ़ लेना ध्यान से। कॉमन फीचर्स क्या क्या है हमारा, डिफरेंट जो हमारे टाइप्स ऑफ लार्ज स्केल रिटेल ट्रेड जो होते हैं उनके बारे में बताना है, ये 5 पॉइंट्स है ध्यान से पढ़ लेना, बहुत ज्यादा मेन होते हैं और ऐसा भी होता है यही क्वेश्चन छपा हुआ है आपके एग्जाम्स में, बस करना क्या है ध्यान से पढ़ना है आपको। और अगर आपकी 0% क्यारी है ना, पक्का श्योरिटी है ये वीडियो आप देख लो आपकी कम से कम 70% क्यारी होने वाली है, बस समझिए यही क्वेश्चन आप याद कर लेना और बहुत अच्छे मार्क्स आपके आने वाले हैं। अब इसमें क्या है एडवर्टाइजिंग क्या होता है हमारा और उसके बारे में फीचर बताने हैं, ये देख लो एक बार ध्यान से। सेल प्रमोशन क्या है हमारा, ये हमारा होने वाला है, और हु इज अ कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन होता है, और व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कंज्यूमर, एक कंज्यूमर के ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बताना है आपको।
मैंने आंसर की प्रोवाइड कर दिया कि टाइम कम है, आप आंसर कहां ढूंढोगे, आप तो कहीं और जाने जरूरत नहीं है। सीरत क्वेश्चन के नीचे के मैंने आंसर भी प्रोवाइड कर दिया जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो पाए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है हमारा, प्रोटेक्शन क्या होता है हमारा, ये बहुत ज्यादा मेन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है हमारा, ये अच्छे से पढ़ लेना। इंपॉर्टेंस हमारे क्या क्या है, चूज इन अ करियर के बारे में ये आप डिफाइन पढ़ लेने ध्यान से, और बताना इसमें मोटिवेशन से इज अ की टू सक्सेस क्या है क्या नहीं है ये आप पढ़ लेना। आगे बढ़ने के लिए आपको क्या है, सतत की जरूरत पड़ती है, और उससे क्या है डे बाय डे हमें मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है, अपने आसपास पॉजिटिव वाइब रखनी बहुत जरूरी है, जब भी हम आगे अपने बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे और अपनी लाइफ में और बिजनेस में सक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि बिना मोटिवेशन के थोड़ा सा आगे बढ़ना मुश्किल होता है हमारे लिए। अपने आसपास पॉजिटिव वाइब रखना बहुत जरूरी है। ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, अगर आपने कोई क्वेश्चन स्किप कर दिया है वीडियो पॉज करते हैं, स्क्रीनशॉट आप लेना और एक बार फिर से वीडियो देख लेना, और करना क्या आपको बस एक काम करना है, क्या ये वीडियो जो है ना शेयर करने में कंजूसी मत करना, हर डायनर रूप में हर व्हाट्सएप रूप में वीडियो पहुंचाओ जिससे कि और बच्चों के डाउट्स क्लियर हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कोई और सब्जेक्ट की वीडियो कमेंट कीजिए, और TMA का सोल असाइनमेंट आप चाहते हैं तो सब्जेक्ट के साथ बताइए, क्लास भी साथ में देना जिससे कि मुझे मालूम पड़े कि आप कौन से क्लास बच्चे हो, और आपके लिए TMA सोल असाइनमेंट बनाना अभी से हम स्टार्ट कर दें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।